तो सभी दुखों की एक दवा है, उसका नाम है काम। अपने आप को फ्री मत रखो, कहीं घूमते रहो, झाड़ू लगाने लग जाओ, घर साफ करने लग जाओ, दोस्तों को एक अच्छे बिजनेसमैन को फोन करो, उनके साथ चाय पे बैठो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, अपने आप आइडियाज निकलेंगे, अपने आप सवालों के जवाब दिखेंगे। मतलब अकेले मत रहो, अकेले भी रहो तो फिर बुरा। अकेले में आप कब रहते हो? जब आप डाउन रहते हो। अकेले में तब रहो ना जब खुश रहो। जब आप खुश रहते हो तो आप अकेले नहीं रहते हो। ये दुनिया का दस्तूर है, गलत करते हो। आप खुश हो बहुत तो आप किसी और के साथ जाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब दुखी होते हो तो अकेले पड़ जाते हो। जबकि आप जब दुखी हो तो लोगों के पास जाओ, जब आप खुश हो तो खुश के पास बैठो। वो खुशी माना कि शेयर करने से और बढ़ती है, बट हम लोग अपोजिट चलते हैं। जैसे मुझे दुख होता है ना तो मैं ट्रैवल करने लग जाता हूँ। मुझे दुख होता है मैं आपको फोन कर रहा हूँ, यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब आपके सामने मैं इंप्रेशन के धारण के क्या करूँगा। लोग अपनी बुराइयाँ, अपने दुख साझा भी करना बंद कर दिए ना। पहले मुझे कोई दुख होता तो मैं अपने पापा मम्मी को बोलता था, तो बोलते ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाता, तो समाधान। आज आदमी एक दुख को लेकर सालों तक पड़ा रहता है। ब्रेकअप हो गया तो एक साल का, फिर एक साल के बाद क्या करेगा? फिर वापस काम ही करेगा, तो अभी कर ले। सही बात भाई। आपका ब्रेकअप हुआ, 6 महीने डिप्रेशन में रहे, फिर क्या करेंगे? फिर 6 महीने बाद उसको समझ आती है, तो जो समझते को 6 महीने बाद आएगी वो अभी कर ले। उसको पाथ पता है फिर भी काम नहीं करेगा।